पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों मैं हूँ ठीक और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भी होंगे ठीक। तो दोस्तों कल के ब्लॉग में देखा था आपने जो दूर पहाड़ियों में पड़ा था बर्फ, तो अभी कोहरे की वजह से बिल्कुल वो पहाड़ियाँ भी नहीं दिखाई दे रही और अब देख सकते हैं बिल्कुल ये माँ जयंती मैया की पहाड़ में बर्फ, बजखंडीनाथ बाबा के पहाड़ में बर्फ देख सकते हैं आप बिल्कुल ही सामने। और आज लग रहा है कि सूर्य देव के दर्शन तो हो गए हैं। देखो मौसम कुछ इस टाइप से है आज। दोस्तों आज आपको घर का ज्यादा ना दिखाते हुए आज जा रहा हूं मैं मार्केट, क्योंकि मुझे मैंने आपको कहा था कि मेरा पोस्ट ऑफिस का भी काम है तो मुझे खुलने एक आध खाते तो अब रोजगार का साधन वो भी है तो वो भी चीज़ें देखनी है तो वहाँ जा रहा हूँ मैं मार्केट। जो भी मार्केट की चीज़ें होंगी कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। और आज मेरी भतीजी का बर्थडे भी है जो कि हम पिथौरागढ़ में ही मना रहे हैं और शायद टाइम हो तो मुझे मैं वहाँ भी जाऊँगा। वहाँ जाऊँगा तो मैं उन लोगों से आपको ज़रूर मिलाऊँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बनने वाली है ज़बरदस्त, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो में इंजॉय करें। तो दोस्तों बने रहे मेरे वीडियो के साथ। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया रोड में और मैंने ये हमारा रिश्ते में मेरा भतीजा लगता है हरी सिंह बिस्सी जी हैं ये। और दोस्तों लोकल के तो सब्सक्राइबर जानते होंगे चिल्ताम में इनकी गारमेंट की पहले दुकान थी। थोड़ा सा अभी इन्होंने ये धंधा छोड़ के अब इन्होंने कर दिया फोकस दूध के काम में और मेरे को तो बहुत ही अच्छा काम लगा। इसकी सोच भी बहुत अच्छी है। इसका यही कहना था कि डेयरी में गांव घर के जो भी बेचारे रात दिन मेहनत करते हैं गाड़ी में और उसके बाद उनको रेट नहीं मिल पाता, तो ये अपने पर्सनल इसने गाड़ी ले रखी है और कोई पैसेंजर नहीं। आपका ये भी सवाल रहेगा कि देख सकते हैं कोई पैसेंजर नहीं है इस गाड़ी में, खाली दूध का काम करता है। और जो सरकारी रेट है उससे कम से कम कितना रुपये लगभग ₹5 एक्स्ट्रा पर लीटर, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये समझ सकते हैं बहुत बहुत अच्छी सोच है आपकी, ऐसी सोच रखो भगवान के साथ देगा। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ भतीजी के साथ। आज क्या जा रहा हूँ, लगभग जब से मैंने गाड़ी दे रखी है जब भी मेरा पोस्टल का काम होता है तो मैं जाता रहता हूँ। तो भाई परेशान करता हूँ आपको यार बिल्कुल ऐसा नहीं कि कोई टिकट भाड़ा ऐसा कुछ नहीं, प्राइवेट गाड़ी है कोई टिकट नहीं, मैं ऐसे जाता रहता हूँ। तो अब कोई रास्ते में अगर इनको मिल भी गया तो उनको भी ये लिफ्ट देते हैं, बहुत ही अच्छी सोच है इनकी। तो दोस्तों अब दिखाते हैं सीधे मार्केट। तो दोस्तों अब पहुंचने लग गए हम शहर के नज़दीक। तो देख सकते हैं शहर के नज़दीक पहुंचने से पहले ही मिल जाती है हमको ये चेतावनी। ये अभी तक कोई जाम नहीं था, कुछ नहीं था, अभी ये पहुंच गए अभी हम सनमाल बैंड में। और देख सकते हैं सुबह सुबह इतना भयंकर जाम। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गया हूं मैं मार्केट और जिनकी मैंने आरडी खोलनी थी तो ये भैया हैं, तो अभी इनसे भी मिलाते हैं अभी आपको। हेलो सेठ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, और क्या हो रहे हैं हाल? बढ़िया बढ़िया। तो जिनकी खोलनी थी मैंने आरडी, ये है मामा और वो है भांजी। तो इनकी आरडी भी खोलनी थी, कल इनका कॉल आया था मुझे। पहले मैं इनको स्कीम भी बता देता हूँ और इनका फॉर्म वॉर्म भी भरवा लेता हूँ, फिर मिलते हैं आगे। भाई भर लिया? भाई मैंने भर लिया, ये अपने मामा को, ये मेरा है। अच्छा फॉर्म पूरा फिल कर दिया, कोई देखो ना कोई मिस्टेक तो नहीं लगी उसमें, ठीक है अपने हिसाब से। चलो चलो मैं देख लूँगा। तो दोस्तों आप लोगों को डाउट भी हो रहा होगा तो देख सकते हैं, तो ये डाकघर बचत बैंक, तो ये मोहम्मद भैया का है, ये जो इनके मामा है इनका है 9000 रुपये का और ये इमरान भाई का है 9000 का। बहुत बहुत बधाई है आपको, बस बस आपसे 5 साल के बाद देखो आप बनते हैं लखपति। तो दोस्तों सेठ जी बहुत शर्माते हैं कैमरे में आने के लिए, देखो मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ तो भाग जा रही है, तभी मैंने अभी चुपचाप से कैमरा निकाला अभी।
तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वानिज को तो दे दी मैंने 5 साल के बाद, वैसे भी लखपति हैं आप, लेकिन 5 साल के बाद ये जो आरडी खोल लें यहाँ से भी लखपति बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों अब जा रहा हूँ मैं पोस्ट ऑफिस, इनका जो भी ओपनिंग करना हो कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। तो दोस्तों ये रहा हमारा पोस्ट ऑफिस, और ठीक ये सामने पे है हमारा टैक्सी स्टैंड, और यहाँ पे है ये पोस्ट ऑफिस। तो मैं कर लेता हूँ पहले काम। तो दोस्तों अभी मैं अंदर आ गया हूँ, और अभी खुली रखा है ऑफिस, तो भीड़ भाड़ नहीं है। और अभी यहाँ पे हैं चौसाली जी। नमस्कार सर। चौसाली जी का बहुत ही अच्छा व्यवहार, बहुत ही अच्छा व्यवहार हमारा पूरा, जो भी हम एजेंट लोग हैं कभी किसी से ऐसा, एजेंट से क्या अपने ग्राहकों से भी कुछ भी चीज़ें हैं वो ये बताते रहते हैं, कभी किसी की कमी भी होगी। सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मतलब इस कुर्सी का बहुत से आदमी ऐसे हैं कि नाजायज फ़ायदा उठाते हैं, मेरा कहना ही है, लेकिन मैं भी आप सभी लोगों से यही कहना चाह रहा हूँ, जो भी खास तौर पर गवर्नमेंट जॉब में है, तो ये कुर्सी आपको जैसे मिली है तो समझो कि एक गॉड गिफ्ट है। भगवान हर किसी को नौकरी नहीं देता, तो ये नौकरी जब आपको मिली है ऊपर वाले के आशीर्वाद से, तो प्लीज़ कुछ इसी कुर्सी के बदौलत, कहने का मतलब ये है ऊपर वाले के आशीर्वाद से, कुछ समाज सेवा भी करें। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, आगे का दिखाएंगे हम आपको समूह की जो बर्थडे है। तो दोस्तों अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पर जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों में प्लीज़ दो लोगों को ज़रूर शेयर करें, और दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखें कि आज की ब्लॉग आपको कैसे लगी। तो दोस्तों नेक्स्ट डे मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए सर कह दो बाय बाय। हाँ सर से कहलवा रहा हूँ, बाय बाय।